9th का है, एक्सरसाइज 7.1 ये दे रखा है आपके। इसमें लिखा हुआ है ए बी सी डी इज ए, क्या दे रखा है आपके, क्वाड्रिलेटर दे रखा है, ये रहा क्वाड्रिलेटर बड़ा वाला, ए बी सी डी, ए सी बी डी नाम है इसका, ए सी बी डी पूरा क्वाड्रिलेटर है चार साइड वाला। इसमें क्या क्या दे रखा है आपके, ए सी इक्वल बी डी, ये गिवन है, तो आप चाहो यहाँ पर गिवन में लिख सकते हो। तो गिवन में क्या लिखेंगे हम, ये लिखा हुआ है ए सी इक्वल बी डी, मतलब ये साइड और ये साइड क्या है आपके, इक्वल है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए सी इक्वल ए डी, ये साइड और ये साइड आपके इक्वल है। सेकंड पॉइंट आपके दे रखा है ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल है, तो हम यहाँ, क्योंकि ए बी है ना, ये लाइन इस एंगल को टू पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। अब हम लिखते हैं यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है शो दैट, तो आप चाहो तो लिखो यहाँ पर शो, या लिख सकते हो यहाँ पर आपको क्या प्रूव करना है, शो दैट या फिर प्रूव दैट, कुछ भी लिख सकते हो। क्या प्रूव करना है आपको, आपको प्रूव करना है कि दोनों ही ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एबीडी की। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है पूरा कॉपी है, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल पूरा कॉपी ट्रायंगल है, जैसा ये दिख रहा है वैसा ही ये है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। और क्या लिखा हुआ है, व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, बीसी और बीडी एक साइड है, उनके बारे में क्या कह सकते हो, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो साइड क्या हो जाएंगी, इनकी इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब है कि पहला पॉइंट हमें ये प्रूव करना है, दूसरा पॉइंट प्रूव करना है कि बीसी और बीडी क्या है आपके, इक्वल है, क्योंकि बीसी बीडी साइड है और एंगल, इसमें दो ही चीजें हैं कॉन्ग्रुएंट होने पर, या तो एंगल इक्वल होंगे या फिर साइड इक्वल होंगी, ये ध्यान रखना। पहला पॉइंट ये वाला है आपको प्रूव करना है, तो ये प्रूव करने के लिए आपको नियम लगाना पड़ेगा, या तो एस ए एस लगेगा या ए ए एस लगेगा या कौन सा लगेगा पता नहीं, तो आपको क्या करना है, कम से कम तीन पॉइंट लेने हैं जिसमें आपके एक साइड क्या होनी चाहिए कंपलसरी, या दो साइड या तीन साइड, एक साइड तो होनी ही चाहिए। तो आपको क्या करना, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए, तो हम ये स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। तो हम यहाँ लिखते हैं दो ट्रायंगल का नाम है, एक का नाम है आपके एबीसी एंड दूसरे का नाम है आपके एबीडी, ये दोनों लेते हैं, इन दोनों की हमें तीन चीजें बराबर करनी है, तीनों इसमें दे रखी होती है, इस ट्रायंगल की एक चीज और इस ट्रायंगल की एक चीज आपको लेनी है। तो पहला नाम तो यही ले लो एसी और बीडी, मतलब इस ट्रायंगल की एसी साइड और इस ट्रायंगल की आपके एडी साइड, तो हम लेते हैं यहां पर एसी और एडी, तो यहां पर लिख सकते हो आप एसी इक्वल एडी। और आप इसमें नाम में भी चेक कर सकते हो, कैसे, इसका नंबर एक नाम, इसका नंबर तीन नाम, तो इधर भी यही नाम आएंगे, नंबर एक और नंबर तीन, ये रहा एसी एडी है ना, तो नंबर एक और तीन है, तो यहां पर भी नंबर एक और तीन ही होगा। तो ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों साइड है बराबर है। दूसरा पॉइंट भी आपकी गिवन ही है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एंगल के नाम लिख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने यहां पर एंगल नंबर एक्स दे दिया और यहां पर वाई लिख दिया, ये दोनों एंगल मैंने दे दिया, आप चाहो तो नंबर वन नंबर टू भी आप लिख सकते हो, या फिर ऐसा लिख सकते हो सी ए बी नाम, आप ऐसे लिख सकते हो सी ए बी एंड बी ए डी, ऐसे लिख सकते हो आप चाहो तो। तो मैं यहां पर एक्स वाई लिख रहा हूं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक्स एंगल एक्स और एंगल वाई इक्वल है, क्यों है, सेकंड पॉइंट भी आपके गिवन है ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, तो हम लिख सकते हैं ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ये चौथ ये लिख दो। अब एक्स वाई की जगह आप इसका नाम लिख सकते हो, ए को नाम बीच में ले लो आप बी ए सी और बी ए डी, ऐसे भी लिख सकते हो। थर्ड, अब थर्ड कहां से लाएंगे, दो तो दे रखा था, थर्ड कहां से लेके आएंगे, थर्ड हम ये बीच वाली साइड, इसका नाम है ए बी, ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी, और नहीं है तो देखो आप यहां पर चेक कर लो, फर्स्ट नाम सेकंड नाम, फर्स्ट नाम सेकंड नाम, मतलब हम यहां पर लिखेंगे ए बी इक्वल क्या हो गया आपके ए बी, इसे कहते हैं कॉमन, जो दोनों में आ रही है ना
उसे कहते हैं कॉमन। तो तीन नाम आ गए जिसमें साइड होना जरूरी है, तो इसमें दो साइड हो गई, दो साइड है और एक एंगल है, तो हमें नियम कौन सा लगाना पड़ चाहिए आपको? एस ए एस, साइड एंगल साइड। एस ए एस से कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के। ये हो गया प्रूफ, तीन चीजें होगी तो आप प्रूव कर सकते हो तीनों कॉन्ग्रुएंट है। अब ये भी लिख लो आप, तो मैं यहां लिख देता हूं बी सी इक्वल क्या हो जाएगा आपके बी डी। इक्वल क्यों है तो आप लिख सकते हो बाई सी पी सी टी। अब सी पी सी टी का मतलब क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तो हमने यहां पर प्रूव कर दिया, ध्यान लगाना। देखो ये दोनों क्या है आपके कॉन्ग्रुएंट, तो ये कह रहा है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब हो गया इसके पीछे वाले दो नाम तो इसके भी पीछे वाले दो नाम, जिसे कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। इनकी जगह जो है वही इनकी जगह, पीछे के दो नाम, ऐसे कह सकते हैं। जो पूछा था हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर टू आपके दे रखा है, इसमें डायग्राम बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर, मतलब ये क्वाड्रिलेटर हो गया आपके ए बी सी डी बड़ा वाला। ए डी इक्वल बी सी, मतलब ये साइड और ये साइड क्या है आपके इक्वल है। और एंगल डी ए बी, डी ए बी मतलब ये एंगल, डी ए बी मतलब पूरा एंगल ध्यान करना, ये वाला पूरा, ये वाला एंगल और ये वाला पूरा एंगल दोनों ही क्या है आपके इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना? तीन पॉइंट प्रूव करने, तो केवल एक पॉइंट ही प्रूव करना है, बाकी वाले पॉइंट तो आपके बाई सी पी सी टी में आ जाएंगे। क्योंकि देखो इसके पीछे वाले दो नाम, इसके पीछे वाले दो नाम ये रहे, एंगल में ए बी डी बी ए सी, देखो ए बी डी बी ए सी मतलब ये तो इसके बाई सी पी सी टी में लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हमें केवल ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ही करना है। तो पहले क्वेश्चन की तरह ही पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे गिवन। तो मैं यहां पर लिखता हूं गिवन, क्या गिवन है? ए डी इक्वल बी सी, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ए डी इक्वल बी सी। और क्या गिवन है? ये एंगल भी गिवन है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए, ये भी दे रखा है। अब हमें प्रूव करना है, तो देखो ये तीनों पॉइंट आप प्रूव में लिख देना, तीनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तीनों आप लिख देना। मैं स्टार्ट करता हूं सीधा डायरेक्ट प्रूफ से। अब प्रूफ में जो भी आपको स्टार्ट करना है, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या प्रूव करना है? पहला पॉइंट तो ट्राइंगल, तो जिसको प्रूव करना है ना उसी को लेना है दोनों ट्राइंगल। तो हम यहां पर लिखते हैं फ्रॉम, ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपके, एक का नाम है आपके ए बी डी और दूसरे का नाम है ट्राइंगल आपके बी ए सी। वो ट्राइंगल कौन कौन से हैं? एक तो आपका ये ट्राइंगल है, कौन सा? ए बी डी का है ना, तो ये वाला एक आपके का है बी ए सी, तो मतलब ये वाला, तो एक तो आपके इधर वाला है और एक आपके इधर वाला है, ऐसे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ट्राइंगल का थोड़ा ध्यान देना आप। तो तीन चीजें बराबर करनी, पहली चीज है बी डी इक्वल ए सी, तो ये आपको चेक भी करना है कि बी डी ए सी इसमें है या नहीं है। तो बी डी ए सी का है, तो ये रहा बी डी ये रहा ए सी, तो हम यहाँ लिख देंगे बी डी और ए सी क्या है आपके इक्वल है। क्यों है? क्वेश्चन में क्या है आपके गिवन है। सेकंड सेकंड है आपके ये वाला जो आपके दे रखा है ना, ये वाला देखो, ये नाम भी आपके इसके अंदर आ रहा नहीं आ रहा, डी ए बी का है तो डी ए बी आ रहा है और सी बी ए बी भी आपके आ रहा है, तो हम ये लिख देंगे डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए। ये भी क्या है आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो दो चीज आपकी गिवन हो गई, पहले क्वेश्चन की तरह ही आपके दो दो चीजें गिवन है। अब एक चीज ही लेनी है और एक चीज आपकी ये आ जाएगी ए बी कॉमन, जो इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है। देखो यहां पर लिखा हुआ, देखो ये रहा ए बी अगले वाले दो नाम, ए बी अगले वाले दो नाम, तो यहां पर हम लिख देंगे ए बी इक्वल बी ए लिखो या ए बी लिखो, ये की बात है, ये क्या आ गया आपके कॉमन। तो बताओ नियम क्या लगा? दो साइड आई, दो साइड और बीच वाला एक एंगल, तो नियम लग जाएगा आपके एस ए एस। एस ए एस द्वारा कह सकते हैं कि
कि ट्रायंगल एबीडी कॉन्गुरेंट है ट्रायंगल बीएसी के। अब कॉन्गुरेंट का मतलब होता है हर चीज में बराबर, साइड में एंगल में हर चीज में बराबर है। तो बाकी वाले दो दो पॉइंट है ना, इनको भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो आप यहाँ लिख देना कि बी डी इक्वल क्या हो जाएगा, ए सी। ये देखो पीछे वाले दो नाम, यहाँ पर देखो पीछे वाले दो नाम, जिसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, सेकंड नंबर थर्ड नंबर, सेकंड नंबर थर्ड नंबर। और ऐसे ही हम लिखेंगे एंगल ए बी डी बराबर है एंगल बी ए सी। ये देख लो पूरा नाम मैच कर रहा है, ए बी डी बी ए सी, ए बी डी बी ए सी। तो ये दोनों क्यों बराबर हुए, तो ये लिख सकते हो बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्गुरेंट ट्राइंगल। ट्राइंगल कॉन्गुरेंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। अब है आपके क्वेश्चन नंबर थ्री। ये दे रखा है आपके डायग्राम बना हुआ है और जो लाइन लिखी हुई है गिवन और प्रूफ अगर आपको लिखना है तो सिंपल है। क्या क्या दे रखा है पहले ये देखो, ए डी एंड बी सी इक्वल परपेंडिकुलर। तो देखो ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन है ए बी, इस पर ये आपके दे रखा है परपेंडिकुलर, ये रहा। और इधर भी देखो ये लाइन पे आपके परपेंडिकुलर है, ये रहा। और दोनों परपेंडिकुलर, इसने इसको परपेंडिकुलर और इसको परपेंडिकुलर माना है। जैसे दोनों इधर भी परपेंडिकुलर इधर भी होता है, लेकिन इसने कहा है कि ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर क्या है आपके, इक्वल है। और क्या इक्वल है आपके, और तो इसमें कुछ दिया हुआ है नहीं आपके। बस इसमें प्रूव क्या करना है, सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो पहले हम यहां पर लिखते हैं गिवन। अब गिवन में क्या क्या आएगा आपके, ए डी एंड बी सी आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल बी सी, और साथ में क्या है दोनों परपेंडिकुलर भी है। एंड ए डी एंड बी सी जो है आर परपेंडिकुलर। अब हमें क्या करना है, यहां पर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी। अब देखो सी डी ये है, ए बी को बाइसेक्ट करेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी को क्या करना है आपको, इक्वल। ये लाइन जा रही है, इसको टू पार्ट में डिवाइड कर रही थी। हमें प्रूव करना है कि एओ और बीओ क्या है, इक्वल। हमें प्रूव करना है एओ इक्वल बीओ, ये करना है आपको प्रूव। तो सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 में किया था, सेम वैसे ही आपको करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहां पर प्रूफ से। तो दो ट्राइंगल है, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों के नाम लिख दो। तो देखो आपको पता है एडी बीसी बराबर है, तो ए जैसे मान लो कि यहाँ ओ कॉमन आ रहा है दोनों में, इधर भी इसलिए ओ को दोनों के बीच में डाल दूँ। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल हो जाएगा आपके बी ओ सी। इन दोनों की हमें क्या करनी है, तीन चीजें क्या करनी है, बराबर करनी है। एस एस कुछ भी लगा सकते हो लेकिन एक साइड होना जरूरी है। तो एक तो ये हो गया आपके, साइड आ गई, ए डी और बी सी क्या है, इक्वल, ये रहा। तो यह लिखेंगे हम ए डी इक्वल बी सी। देखो यहाँ मैच भी करना चाहिए, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा ये बराबर है, क्यों है, क्वेश्चन में क्या है आपके, गिवन है। फिर देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब हो गया एंगल बी और एंगल ए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए को चाहो तो बीच में लिख दो, ऐसे लिखेंगे एंगल ओ ए डी इक्वल है एंगल ओ बी सी, मतलब एंगल ए और एंगल बी इक्वल, जो नाम बीच में होगा ना वही माना जाता है। तो ये दोनों क्यों इक्वल है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है आपके 90 डिग्री का एंगल। थर्ड देखो क्या है, जब भी दो लाइनें आपस में क्रॉस होती है तो ये और ये एंगल बराबर होता है, इसीलिए ये एंगल और ये एंगल क्या है आपके, बराबर है। तो ए ओ डी और बी ओ सी, तो ओ ओ देखो ओ बीच में ही है, इसको लिख दो एंगल ए ओ डी बराबर है एंगल बी ओ सी के। क्यों है, कारण लिख देना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के कारण बराबर हो गए। अब देखो आपके दो एंगल है और एक साइड है। अब जब भी दो एंगल और एक साइड आती है
तो या तो लगेगा ये नियम और या लगेगा आपके ये वाला नियम। अब कैसे मालूम चलेगा आपको, तो थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपको। ये नियम तब लगेगा जब एंगल एंगल लगातार दो बराबर होंगे, साइड बीच में आएगी। तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान देना, ये एंगल है, ये एंगल है, और साइड कौन सी है हमारे पास, ये वाली। इसमें से देखना, ध्यान देना, एडी ये रहा एंगल, वो ये रहा एंगल, ये रहा। अब देखो इन दोनों के बीच वाली साइड बराबर नहीं, ये तो प्रूव करना पड़ेगा आपको। तो वो तो प्रूफ में है, यहां पर प्रूव करने में है, लेकिन हमने जो यहां पर प्रूव किया ना, इसके अंदर आपके ए वो नहीं है। तो एंगल एंगल साइड, अगर ये साइड ये वाली होती यहां पर, तो हम ए ऐसे ही लिखते। तो यहां पर दो एंगल अलग हो गए, साइड बाहर की ओर है, तो हम यहां पर रूस ये वाला लगाएंगे हम। तो ए एस द्वारा कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ओ सी के। ये जो नियम है ना, केवल एंगल वाले में ही काम में लेना है, साइड वाले में काम में लेने की जरूरत आपको नहीं है, ये ध्यान रखना। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, बराबर। देखो यहां पर ए ओ इक्वल क्या हो जाएगा, बी ओ, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हम यहां लिखेंगे ए ओ इक्वल बी ओ, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, नंबर एक नंबर दो, नंबर एक नंबर दो, उसे कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। तो हम यहां लिखेंगे बाई सी पी सी टी। अब ये दोनों बराबर, इसका मतलब है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी, इसका मतलब हो गया सो सी डी बाइसेक्ट ए बी, बस ऐसे आपको प्रूव करना है। तो तीनों क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लगभग एक जैसे ही है आपके। क्वेश्चन नंबर आपके दे रखा है चार, इसमें लिखा हुआ है एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन, मतलब ये लाइन एल लाइन, जब ये एल वाली लाइन और ये आपके एम वाली लाइन, दोनों ही लाइनें क्या है अभी आपके पैरेलल है। दूसरा इसने कहा है कि पी एंड क्यू ऑल्सो पैरेलल, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी क्या है आपके पैरेलल है। ये तो आप क्वेश्चन में दे रखा है आपके, हमें ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए आपको कम से कम तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, साइड और एंगल में से, जिसमें एक साइड होना जरूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन, गिवन क्या है, एल पैरेलल एम के एंड पी पैरेलल क्यू के, ये दोनों लाइनें पैरेलल है और इधर वाली लाइनें भी पैरेलल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और हमें करना है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ये जो लाइन है ना, ये प्रूव करना है, प्रूव करना है, या फिर शो दैट, प्रूव दैट या शो दैट, मतलब एक ही है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी ए के, ये हमें करना है, प्रूव करना है। तो सिंपल है, हम लेते हैं यहाँ पर प्रूफ से। प्रूफ में आपको जो कॉन्ग्रुएंट करना है ना, उन्हीं को लेना है। तो हम यहाँ लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, इसकी हमें तीन चीज़ें बराबर करनी है। ए बी सी ए हो गया आपके, और सी डी ए हो गया आपके, इधर वाला सी डी ए, इधर वाला। अब नाम ध्यान रखना, नाम सही लिखना है आपको, नहीं तो गलत हो जाएगा आपके, नाम के हिसाब से एंगल राइट होंगे। अब देखो ध्यान देना, सिंपल है, आपको तीन चीज़ें बराबर करनी है। तो देखो पहले तो यही हो गई आपकी, ये लाइन ए सी लाइन, ये देख लो, पहला नाम लास्ट नाम, पहला नाम लास्ट नाम, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होना चाहिए। तो आ जाएगा आपके ए सी इक्वल सी ए, नाम ऐसा दे सकते हो आप, या ए सी इक्वल ए सी भी लिख सकते हो। ये क्यों हुआ आपके, ये हो गया है आपके कॉमन के कारण, ये लाइन ऐसी है बीच वाली जो इस ट्राइंगल में भी काम आ रही है और इस ट्राइंगल में भी आपके काम आ रही है। दूसरा हम लेते हैं यहाँ पर आपके एंगल लेते हैं। तो एंगल देखो हम क्या करते हैं, एक एंगल लेते हैं ये वाला और एक एंगल लेते हैं हम ये वाला, नाम दे सकते हो यहाँ पर। अब नाम नहीं भी देना चाहते हो तो इधर वाला ये ए है और इधर वाला ये सी है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से सी को बीच में ले आते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल, इसमें भी सी बीच में लेके आ जाओ,
तो जैसे यहाँ पर देखो, मैंने बीच वाले को उधर भेजा था, उसको इधर लेके आया था। यहाँ पर आ जाएगा आपके, इधर सी एंगल इक्वल है, उधर आपके ए एंगल इक्वल है, लेकिन नाम इधर ए है ना, पहले पहले नाम सी का आएगा, आप ये ध्यान रखना। देखो मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ पहले, तो आपके पहले नाम सी का आना चाहिए, बाद में नाम ए का आना चाहिए। इसमें से पहले सी का हम लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपके एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल सी ए डी, ये दोनों बराबर है। अब क्यों है बराबर, ध्यान देना कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। देखो ध्यान देना, सिंपल सा बताता हूँ आपको, ये एंगल ये और ये लाइन क्या है आपके, पैरेलल है, और ये लाइन इसके ऐसे काट रही है, तो एक इधर का और एक इधर का क्या होता है, बराबर, जिसे हम कहते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्योंकि लाइंस एल पैरेलल क्या हो गया आपके एम के। अब हम वापस से आते हैं, अब क्या करना ध्यान देना, अब इधर से एंगल लेते हैं हम, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, ये दोनों एंगल लेते हैं हम, तो ये एंगल लेंगे तो इधर पहले ए है और फिर आपके सी है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बी ए सी, और इधर हो जाएगा आपके सी, बीच में लाना है आपको, तो डी सी ए, ये दोनों एंगल बराबर है। अब क्यों है बराबर, कारण क्या लिखोगे, तो सिंपल तरीका है। अब देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपके, तो मैं बताता हूँ यहाँ पर, ये P और ये Q क्या है, पैरेलल है, और ये लाइन आपके क्रॉस कर रही है, काट रही है, तो एक एंगल इधर का है ना, ये एंगल ये लाइन काट रही है आपके, हाँ यही लाइन है सेम, तो आपके ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा आपके, इक्वल हो जाएगा। ये है ना ये वाला, ये वाला, तो ये एंगल और ये एंगल, वापस देख लो एक बार, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और आपकी कौन सी लाइन काट रही है, ये लाइन ऐसे काट रही है, तो ये वाला जो ए के पास वाला है और ये वाला, मतलब ये एंगल और ये एंगल, तो कारण क्या लिखोगे आप, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्योंकि पी लाइन पैरेलल है आपके क्यू के, तो कारण आपको ढंग से ढूंढना पड़ेगा, ये तो ऐसे मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, वरना आपको सीधा वहाँ पर ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। अब आपको बताओ यहाँ पर नियम क्या लग गया आपके, दो एंगल आया और एक साइड आई। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा देखो मैं इधर देखना है आपको, क्योंकि दो एंगल है ना, तो जब भी आपके दो एंगल आते हैं तो क्या होता है, या तो आएगा आपके ए एस, यह आएगा आपके एस ए एस, ए एस ए नियम आएगा या ए एस आएगा, अब ये आपको देखना पड़ेगा, जब भी दो एंगल होते हैं तो ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दो, मैं केवल एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, मैंने पहले ये एंगल लिया था, फिर ये एंगल लिया था, और फिर ये साइड ली थी, तो दोनों एंगल के बीच में साइड आ रही है, इसलिए आपका नियम क्या लगेगा, आपके ए एस ए द्वारा हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के, हेंस प्रूव। कोई डाउट है तो बता सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, डायग्राम बना हुआ है, लिखा हुआ है सी फिगर 7.20, ये बना हुआ है आपके, इसमें लिखा हुआ है आपके एल इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब एल जो लाइन है ना वो क्या कर रही है, इस एंगल को दो भागों में बांट रही है, मतलब यही है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है आपके, इक्वल है, लिखा हुआ क्वेश्चन में, टू पार्ट में डिवाइड कर रही है। बी पी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी, तो हमें क्या करना है, शो करना है, ये दो चीज़ें आपको प्रूव करनी है। तो देखो ये दोनों नाम है ना सेम, बी पी बी क्यू, देखो ये रहा बी पी, ये रहा बी क्यू, इसी के अंदर आ रहे हैं नाम, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ इक्वल ट्राइंगल, या आप इसे कह सकते हो बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एंगल ए, दोनों का मतलब एक ही है कि ये और ये बराबर है, ये प्रूव करना है आपको। ये पीछे वाला लाइन तो ऐसे ही आपके दे रखी है, यहाँ पर और का यूज किया हुआ है, मतलब ये प्रूव करो या फिर ये प्रूव करो, बात एक ही है।
सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं आपके गिवन। अब गिवन में हम क्या लिखेंगे यहां पर, ये पहले लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो हम लिख सकते हैं एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। और क्या है आपके बीपी एंड बीक्यू परपेंडिकुलर है, तो बीपी परपेंडिकुलर ऑन एपी एंड बीक्यू परपेंडिकुलर ऑन एक्यू, मतलब ये परपेंडिकुलर है इस पर और ये परपेंडिकुलर है इस पर, ये आपका गिवन है। और हमें करना है, प्रूव करना है। अब क्या प्रूव करोगे आप, ये दोनों लाइनें, पहला आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के, और दूसरा पॉइंट हमें प्रूव करना है बी पी इक्वल बी क्यू, ये प्रूव करना है हमें। तो पहले क्या करते हैं, दोनों को ही प्रूव करने के लिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। तो ये पॉइंट हमारे पास है और डायग्राम होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रूफ से, तो जो हमें प्रूव करना है ना इन्हीं को ले लो। तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल हो गया आपके ए क्यू बी, इससे हमें तीन चीजें बराबर करनी है। तीन में से देखो आपके दो तो यहीं पर दे रखी है, पहली पॉइंट ये वाला एंगल ए, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों में ए नाम आना चाहिए बीच में। तो हम क्या करते हैं, इस ए एंगल को हम बीच में ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी ए बी, मतलब इस ए को बीच में ले, बाकी आगे पीछे कर दो, इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू ए बी। अब क्यों है, इसका कारण क्या लिखोगे आप, ये लाइन क्या लिखोगे, एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है इसीलिए लिखेंगे। सेकंड कहाँ से आएगा आपके, यहाँ से परपेंडिकुलर के कारण आएगा, मतलब इस ट्रायंगल में भी 90 है और इस ट्रायंगल में भी 90 डिग्री है, तो आप लिख सकते हो कौन 90 डिग्री है, पी और क्यू, तो पी और क्यू तो ये ऑलरेडी सेंटर में है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए पी बी इक्वल होगा एंगल ए क्यू बी, ये दोनों बराबर है, क्यों है, दोनों ही 90 डिग्री है, दोनों ही परपेंडिकुलर है इसीलिए। थर्ड देखो, दो एंगल आ चुके हैं, तब तीसरा साइड ही आना चाहिए, तो साइड ले लेते हम। ये साइड ऐसी है जो कॉमन है, इधर भी या काम आएगी इधर भी काम आएगी, तो ए बी हो गई आपके कॉमन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी इक्वल ए बी। ये देखो, ये भी पहला और तीसरा नाम है, ये भी पहला और तीसरा नाम है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होने जरूरी है, तो दोनों बराबर हैं। क्यों हैं बराबर, क्योंकि दोनों ही क्या है आपके कॉमन आ रही है। तो दो एंगल और एक साइड, जब भी दो एंगल और एक साइड आती है तो आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, इधर ध्यान लगाना कैसे। देखो हमने ये एंगल लिया, हमने ये एंगल लिया और साइड ये ली, इन दोनों के बीच में साइड नहीं ली हमने, इसलिए एंगल एंगल बाहर है और ये साइड अलग दे रखी है। तो यहाँ पर नियम लगेगा आपके ए ए एस का नियम लगेगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए क्यू बी के। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम यहाँ लिख देंगे कि देखो, ये पीछे के दो नाम, ये पीछे के दो नाम, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर बी पी इक्वल हो जाएगा आपके बी क्यू, क्यों हो जाएगा, कारण क्या लिख दोगे आप, बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ये, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब पीछे वाले दो, ये भी पीछे वाले दो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए ऐसा हम लिख रहे हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।